हेलो एवरीवन दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक्निकल मंत्र में। आज हम लोग बात करेंगे सिविल इंजीनियरिंग के जो न्यू वैकेंसीज आने वाली हैं उनके बारे में, छत्तीसगढ़ में कौन कौन से विभागों में सिविल इंजीनियरिंग के लिए जो है नई वैकेंसी आने वाली है। तो चलिए दोस्तों, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूँ कि अभी आपको पता होगा कि हाल ही में आपने देखा होगा कि सिविल इंजीनियरिंग का आप लोगों ने अभी CSEB JEE का पेपर दिया होगा आप लोगों ने अभी, ठीक है। और उसके बाद से अभी तक सिविल इंजीनियरिंग के लिए छत्तीसगढ़ में अभी तक कोई वैकेंसी नहीं आई है। तो आप लोग दोस्तों अपने प्रिपेयर को एकदम रेडी रखिए, तैयारी जारी रखिए, क्योंकि अभी जो है कुछ नई वैकेंसीज जो छत्तीसगढ़ में आने वाली हैं, ठीक है। तो उनके बारे में मैं बता देता हूँ आपको। चलिए, आप लोगों ने भी इसको पढ़ा होगा अभी कुछ दिन पहले ही कि जल संसाधन विभाग में निकलेंगे वैकेंसी, भू जल वैज्ञानिक सिविल इंजीनियरिंग के पद भी निकलेंगे। यानी कि ये जो भर्ती है, आपको बता दूँ मैं, जल संसाधन विभाग की जो भर्ती है जिसको आप लोगों ने WRD के नाम से सुना होगा, अभी 2 साल पहले ही इसका आप लोगों ने एग्ज़ाम और दिया होगा, आप लोगों ने सारे लोगों ने दिया होगा इसमें, जो कि जूनियर इंजीनियर का भर्ती आप लोगों ने दिया होगा। तो डिटेल में एक बार मैं आपको बता दूँ करके कि इसके बारे में थोड़ा सा करके कि जो भर्ती जल संसाधन विभाग की भर्ती है और इसकी भर्ती के बारे में बता दूँ कि जो इसका एग्ज़ाम लेगा वो है व्यापम के द्वारा जारी किया जाएगा, ठीक है। और इसमें कौन कौन से पद होंगे उसके बारे में बता दूं मैं आपको। मैं तो मोस्टली यहाँ पर हम लोग अपने बात करते हैं तो यहाँ पर सिविल इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर और जो कि मानचित्रकार का भी पद इसमें जो है आएगा, ठीक है। उसके अलावा अगर आप पूछेंगे कि इसकी भर्ती कब तक आ सकती है तो बता दूँ, जैसे ही चुनाव अभी ख़त्म होगा आपका लोकसभा चुनाव के ख़त्म होते ही आपको जो है जुलाई और अगस्त के बीच में आपको जो है ये भर्ती देने के लिए मिलेगी। यानी कि जुलाई और अगस्त के बीच में जो है इसका नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। और आपको पता होगा कि व्यापम का नोटिफिकेशन जारी होता है तो लगभग 30 से 40 दिन के बीच में इसका एग्ज़ाम तुरंत हो जाता है। तो अपनी तैयारी को बूस्ट करते रहिए। मैक्सिमम जो पद रहेंगे यहाँ पर जो है सिविल इंजीनियर के जो है जूनियर इंजीनियर वाले पद ज़्यादा पद होंगे इसमें, और असिस्टेंट इंजीनियर के पद भी इसमें रहेंगे। साथ ही साथ जो मानचित्रकार वाले पद इसमें भी आएंगे। इसके पहले भी मानचित्रकार का पेपर बहुत समय पहले हुआ था, एक बार और हुआ था। तो अगर आप लोग यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं अपने सिविल इंजीनियरिंग जूनियर इंजीनियर के लिए तो आपको हमारे चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर जो है पेपर का आपको इसमें प्लेलिस्ट पे जाइएगा, ठीक है। तो आपको इसमें जो है प्रीवियस ईयर पेपर आपको जो है सॉल्व किया हुआ मिल जाएगा कुछ कुछ JEE पेपर के, तो उससे भी अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ही इसके रिगार्डिंग और कोई जानकारी आएगी, अभी आपको जानकारी चैनल पर बना दी जाएगी, तो चैनल के साथ बने रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा अच्छा लगा आपको वीडियो। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, धन्यवाद।